अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। इतवार जनाब, बड़ा खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है। थोड़ी सी आपको मैं धूप दिखा देता हूँ और उसके बाद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो भी आपको बताता हूँ। मौसम भी आपको बताना है कि आज इधर वो जो है ना खुश्क रहेगा थोड़ा सा, अच्छा यानी कि रहेगा मौसम, तो बारिश नहीं है लेकिन हल्के हल्के बादल जो होते हैं ना वो वाले हैं। तो आपको मैंने विज़िट ज़रूर कराना होता है। ये थोड़ा सा देखें, ये परिंदे चहचहा रहे हैं और ये जनाब बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल है यार, कसम से बहुत खूबसूरत माहौल है बहुत। ये देखें, एक बिल्ली हमारे इधर बैठी है, ये धूप सेंक रही है। ये बिल्ली कैसी हो? तुझे खाना मिलता है सही इमरान खान के दौर में कि नहीं मिलता? कहती है नहीं मिलता हूँ, इमरान का नाम लिए तो भाग गई है भाग गई है, इमरान खान का नाम लिया है ना तो भाग गई है। देखें, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत मौसम है। तो अब आपको मैं बताता हूँ जनाब आली, ये इधर बुलबुल फिर रहे हैं। बुलबुल बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, और मेरे सरहाने एक दिन उड़ाया, वापस ना आया, वापस ना आया। जनाब इधर से हम नवाज शरीफ का आपको बताते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने आपको जिस दिन नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आई थी ना कि वो जी नहीं आ सकते, एक हफ्ता पहले, कि वो नहीं आ सकते और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि सफ़र के काबिल नहीं है और ये वो, उसके ऊपर मीडिया की बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, मीडिया की बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो फिर इधर जो पार्टी का इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी का, तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत हमारा नुकसान हो रहा है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, 4 साल इमरान ने पूरे कर लिए हैं, तो इसका जो है ना वो कोई सद्देबाब किया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। तो उन्होंने हल्की सी सिफारिश की है कि नवाज शरीफ साहब वापस आओ। ये रिपोर्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि जनाब ये क्या, ये देखें ड्रामा है, 18 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, ये है वो है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी बातें सच्ची भी होती हैं, ये तो नहीं होता कि सच्ची नहीं होती। बीमार तो वो है भाई, 72 साल के हैं, बीमार तो वो हैं। मैं 62 साल का हूं, मैं भी बीमार हूं, हर तरह हर आदमी थोड़ा बहुत बीमार है, आप खुद देख लें जो 60 के ऊपर है। आप पेरेंट्स के लिए कभी शुगर की दवाई लेके आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, ये वो। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज ये है आपके लिए, खुशखबरी ये है कि अयाज सादिक साहब आज नवाज शरीफ को लेने के लिए लंदन चले गए। ये खबर है जी, ये खबर है। मैं जी खबर आती उन्होंने चिथ के तुम दसना होता है। तो जनाब वो चले गए हैं और उन्होंने वादा तो वैसे किया था हमारे साथ 20 जनवरी का, तो लेकिन 20 जनवरी थोड़ी सी गुजर गई और आज आपको पता है 6 फरवरी है। कोई नहीं, हफ्ते 10 दिन की कोई बात नहीं है, हालात बदल जाते हैं ना। हालात आप देखें, कल जो पीपल्स पार्टी ने और ये नून लीग ने मुआहदा किया है, खाने पे आए हैं सारे, तो ये पहले हालात नजर नहीं ना आ रहे थे, अचानक बादल कहीं से आते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि यार ये हो रहा है। इसके ऊपर भी बात करता हूँ, मुझे बड़े फोन आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा हम तआवुन कर रहे हैं, तो जरा होशियार रहें और हाथों की उंगलियां गिन लें, हाथ मिलाने के बाद हाथों की उंगलियां गिन लें कि 5 पूरी हैं कि नहीं ये मजाक भी आ रहा है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब को लेने चले गए हैं और नवाज शरीफ साहब ऐसा रिस्क पहले भी ले चुके हैं, आपको पता ही है, जब उनकी बीवी बीमार थी, कोमे में थी और करीबुल मर्ग थी, तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पता था कि हमने सीधा जेल जाना है। वो अपनी बेटी को साथ लेके आए, मरियम नवाज साहबा को, और सीधा जेल चले गए। ठीक है, और फिर वो फौत भी हो गई और ये ड्रामे करते रहे शेख रशीद वगैरह और ये वो सारे, ओ जी किथे बीमार ही नहीं है जी, उधर दिल का इलाज ही नहीं होता जी, झूठ, जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, अब जैसे झूठ बोल रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब का जनाब आने का प्रोग्राम फाइनल हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रोग्राम क्योंकि अब इन्होंने ये प्रोग्राम तय किया है कि फरवरी में ही
मार्च से पहले, फरवरी में ही, या ये समझ लें कि 27 फरवरी से पहले, यानी कि 20 दिनों के अंदर अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर अदम एतमाद होगा, और एक अदम कामयाब हो जा गया ना, तो ये इनकी रेत मुट्ठी में है वो सारी गिरना शुरू हो गई है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से मुट्ठी से रेत गिर रही है, तो वो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी और रास्ता हमवार हो जाएगा और फिरौनों को और हिटलरों को शिकस्त होगी। ये देसी हिटलर मैंने आपको बताया है, इसके बड़े नाम मैंने बताया है आपको, एक भिखारी कौम पे भारी और देसी हिटलर, ठीक है, देसी हिटलर देसी तरीके अपना रहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पंखे उतार लूंगा, तुम्हारे एसी उतार लूंगा, तुम्हें कुर्सी नहीं दूंगा, टीवी नहीं दूंगा। ओ यार, ओ मेरे खुदाया, कौन वजीर आजम बन गया, कौन बन गया यार, कसम खुदा की। इतना तो आप किसी अपने नौकर पे जुल्म नहीं करते जो आपके मुकाबले पे भी नहीं होता। कभी आपने कहा कि नौकर को मैं खाना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जलील करूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं ना किया। ये ऐसा, ये इस लेवल का बंदा था, काउंसलर भी नहीं जीत सकता था, इनको एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की दुश्मनी में इसको वजीर आजम बना दिया। चले कोई नहीं, रंगीले वजीर आजम बहुत गुजरे हैं, आप फिक्र ना करें, ये कोई बड़ा ओहदा नहीं है कि इमरान खान कहे कि जी मैं वजीर आजम बन गया तो तारीख में मेरा नाम, तारीख में तेरा ब्लैक हरूफ में नाम लिखा गया है, काले काले हरफों से तुम्हारा, इतने वो वजीर आजम है ना, 17 वजीर आजम, तो जब आपका नाम आएगा ना 17वां, उधर ब्लैक लिखा जाएगा, इमरान खान उर्फ मानी मेंटल, ये लिखा जाएगा। तो अयाज सादिक साहब जनाब पहुंच गए हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, और वो नवाज शरीफ साहब को लेने गए हैं, लेने गए हैं, लेने गए हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दी है, वो चले गए हैं, जाने का भी हमें पता था कि वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक हुआ नहीं हमने आपको नहीं बताया। आप आए जी, कल जो मुआहदा हुआ है दोनों पार्टियों का, पीपल्स पार्टी नून लीग का, मुझे सैकड़ों मैसेज आए हैं, फोन आए हैं कि जनाब नून लीग को कहें जरा बच के, ये जो मैंने मजाक किया ना कि अपने जनाब हाथ की हाथ मिलाने के बाद उंगलियां गिन लो के 5 पूरी हैं, जब चो एक उंगली गायब हो गई है ताड़ी, तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी वीलॉग बनाए हैं, उनका हक भी है, जरदारी की पूरी कोशिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दूं, सब उसके लिए हो रहा है, सब उसके लिए हो रहा है, ये जहन में रखें। मेन मकसद ही उनका ये है कि बिलावल भुट्टो को चाहे 1 साल के लिए मैं अपनी जिंदगी में वजीर आजम बना दूं, ये उनकी, वो कहते हैं ना मरण तो पहले जी अपनी आखिरी ख्वाहिश दसो, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है, इसके लिए वो तगदो कर रहे हैं, इसके लिए वो बिल्ली को दुम लगा रहे हैं, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, बार बार आ रहे हैं। जरदारी का रेवंड में आना या मॉडल टाउन में आना खाने पे, ये कोई मामूली बात है, वो बिलावल भुट्टो को भेज देते, लेकिन बाप बेटा दोनों आए हैं, कि उनका मकसद ये है, जेन में बना लेना। जब जरदारी साहब सदर बने थे किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि अचानक ऐलान हुआ कि जनाब जरदारी साहब इलेक्शन सदर के लड़ेंगे, ठीक है। तो अभी भी यही मतमय नजर यही है कि बिलावल को वजीर आजम बनाना है, इसलिए नून लीग वाले होशियार रहे, होशियार ये है कि अब पंजाब में तो वो पीपल्स पार्टी के तावन के बगैर भी अदम एतमाद करने में कामयाब हो रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पूरी कैलकुलेशन करके बताई है, ऐसे हवा में नहीं बताया। तो जब पंजाब में पहले ये था, वो कहते थे कि जी पंजाब तोड़ा ते मरकज साडा, ठीक है, अभी भी उनके जेन, मैंने बताया उनकी आखिरी ख्वाहिश है जरदारी साहब की, आखिरी मरने से पहले की ख्वाहिश जो होती है। अब चूंकि पंजाब में इनको कोई ले दे का मसला नहीं है, अकेली नून लीग, सारे नून लीग का टिकट लेना चाहते हैं ना यार, पीटीआई के हैं, जो जितनी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के भी, पीपल्स पार्टी के भी लोग, हसन मुर्तजा वगैरह, ये सारे आ जाएंगे कि जी सानू टिकट दो सानू। इधर सर जी हार्ट केक यही है ना, नून लीग का हार्ट केक है किस्मत की वजह से। अच्छा जी, अब मैं इनको ये बता रहा हूं कि कभी भी वजारत उज़्मा के ऊपर भरोसा ना करना, आपकी 84 सीटें हैं, उनकी 50 के करीब हैं, ठीक है, तो आप उनको वजारत उज़्मा दे दें, ना 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 ना, पंजाब आपको वैसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के तावन से नहीं मिल रहा, हाँ उनको आप सेनेट का चेयरमैन का कह दें,
मैं आपको ये बता रहा हूं, स्पीकर का भी कह दें, लेकिन मेन जो की पोस्ट है ना वजीर आजम वाली, वो अपने पास रखें। हम आपको ये मशवरे दे रहे हैं, मेरे नाजरीन आप भी मशवरे दें, आपके मशवरे वो ऊपर तक जाते हैं, लंदन जिधर या सादे गया ना वहां तक जाते हैं। आप बताएं अपना मैसेज जरूर किया करें, जो कमेंट्स हैं वो पढ़े जाते हैं। तो ये इनको हम इनको कह रहे हैं, और नवाज शरीफ की मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दी है, बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ठीक है।